हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेल्डिंग। आज हम वेल्डिंग चैप्टर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप SSC JEE की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी ये वेल्डिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वेल्डिंग चैप्टर के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं कि चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। इन दिस वेल्डिंग प्रोसेस द मेटल्स आर हीटेड अप टू प्लास्टिक स्टेट, यानी यहाँ पर मेटल को हीट किया जाता है प्लास्टिक स्टेट तक, एंड फोर्स्ड टुगेदर बाय यूज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर विदाउट द यूज ऑफ फिलर मेटल। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, इस वेल्डिंग प्रोसेस में मेटल को हीट किया जाता है अप टू प्लास्टिक स्टेट, और बाद में उसको क्या किया जाता है, प्रेशर किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो हम इस प्रकार की वेल्डिंग करते हैं उस वेल्डिंग को हम कहते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग। पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऑप्शन में आपके पास प्लास्टिक वेल्डिंग जो है वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, परंतु आप इसका टाइप देख सकते हैं, यहाँ पर जरूर होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, चार ऑप्शन है हमारे पास, पहला गैस वेल्डिंग, दूसरा आर्क वेल्डिंग, तीसरा सीम वेल्डिंग, या चौथा थर्मिट वेल्डिंग। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो तीनों है हमारे पास, ये हमारे पास आते हैं फ्यूजन वेल्डिंग में, ये आते हैं हमारे पास फ्यूजन वेल्ड में। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका है थर्ड, सीम वेल्डिंग, क्योंकि सीम वेल्डिंग एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक वेल्डिंग का। तो इसका आंसर आ गया हमारा थर्ड, सीम वेल्डिंग। अब आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू इस प्रकार से है, विच इज अ सब्सटेंस यूज टू रिमूव ऑक्साइड एंड अदर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेल्ड। यानी ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है या सब्सटेंस है जो कि रिमूव करते हैं ऑक्साइड को फ्रॉम द वेल्ड सरफेस, फ्रॉम द वेल्ड सरफेस। जब आप वेल्ड करते हैं तो उसकी सरफेस पर कुछ ऑक्साइड रहते हैं जिनको रिमूव करना जरूरी होता है, क्योंकि बाद में वो डिफेक्ट के रूप में वहां पर बन जाते हैं, ब्लो होल्स, पोरोसिटी, वहां पर अनेक प्रकार के डिफेक्ट बन जाते हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट। तो उनको रिमूव करने के लिए हम किस सब्सटेंस का यूज करते हैं, हमें इसका आंसर देना है। तो पहला है फिलर मेटल, दूसरा है फ्लक्स, थर्ड है स्पैटर, फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा बी, फ्लक्स। फ्लक्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज आप करते हैं वेल्ड सरफेस से ऑक्साइड को और अनदर अनडिजायरेबल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए। तो इसका आंसर आ गया सेकंड, फ्लक्स। थर्ड आप यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट, यानी इनमें से कौन सा वेल्डेड ज्वाइंट का टाइप नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पांच प्रकार के वेल्डेड ज्वाइंट होते हैं। फर्स्ट लैप, यहाँ पर देखिए पहला लैप होता है, दूसरा बट, थर्ड होता है हमारे पास एज ज्वाइंट, फोर्थ होगा कॉर्नर ज्वाइंट, कॉर्नर, फिफ्थ होगा आपके पास टी ज्वाइंट। तो ये पांच प्रकार के आपके पास वेल्डेड ज्वाइंट होते हैं मेनली। तो अब आप देखिए, यहाँ पर इन पांचों में से कौन सा ज्वाइंट यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो लैप ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट है, और थर्ड इसका आंसर आएगा कि जो एल ज्वाइंट है वो वेल्डेड ज्वाइंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, फोर्थ आ गया यहाँ पर, द ज्वाइंट इट इज यूज्ड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू पैरेलल प्लेट, यानी दो पैरेलल प्लेट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तब कौन सा ज्वाइंट फॉर्म्ड होता है। ये प्लेट फर्स्ट है और ये प्लेट सेकंड है। जब आप इसको यहाँ पर वेल्ड करेंगे इस प्रकार से, तो उस वेल्डिंग का नाम क्या है, पहला एज ज्वाइंट, दूसरा टी ज्वाइंट, थर्ड इज लैप ज्वाइंट, एंड फोर्थ इज कॉर्नर ज्वाइंट। तो इसका आंसर आपके पास आएगा फर्स्ट, एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज एज ज्वाइंट जो होता है वो पैरेलल प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। फिफ्थ आप यहाँ पर देखिए, नेम द वेल्डिंग सिंबल एज शोन इन फिगर। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, तो इसमें हमें बताना है कि डायग्राम में कौन सा वेल्डिंग सिंबल है जिसकी तरफ ये एरो कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, पहला हमारे पास बीवल बट, सेकंड इज एच, थर्ड इज सीम, फोर्थ इज फिलेट। तो इसका ऑप्शन आपके पास आएगा फोर्थ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फिलेट। इसका उत्तर है फिलेट। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है फिलेट का।
अब आप यहाँ पर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फ्यूल गैसेस यूज इन गैस वेल्डिंग, यानी गैस वेल्डिंग में हम किन फ्यूल गैसेस का यूज करते हैं, किन फ्यूल गैसेस का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है गैस वेल्डिंग में जब आप हीट प्रोड्यूस करेंगे तो वो हेल्प से करेंगे कंबशन ऑफ फ्यूल गैसेस। तो पहला ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, दूसरा एसिटिलीन, थर्ड इज सल्फर एंड फोर्थ इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका आंसर आपके पास आएगा फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि गैस वेल्डिंग में हम दो तरीके की गैस का मेनली यूज करते हैं, फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड अदर वन इज एसिटिलीन। ये दो प्रकार की गैसेस होती हैं फ्यूल गैसेस, इनका हम उपयोग करते हैं गैस वेल्डिंग में। सेवंथ आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है। तो पहला है यहाँ पर, द हैमर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग चिप्स फ्रॉम वेल्ड, यानी वेल्ड में जो चिप्स लग जाती हैं, चिप्स का मतलब है वहां पर देखिए ये कोई वेल्ड आप यहाँ पर करते हैं, इसकी सरफेस पर यहाँ देखिए कोई चिप्स इस प्रकार से फॉर्म हो जाती हैं, या जो बीड होती है उस पर भी चिप्ड फॉर्म हो जाती हैं, तो उनको हम रिमूव कैसे करते हैं, किस हैमर का यूज करते हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, सेकेंड इज क्रॉस पिन हैमर, थर्ड है चिपिंग हैमर, या फोर्थ हैवी हैमर। तो इसका आंसर आएगा चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर का हम यूज करते हैं वेल्डिंग में फॉर रिमूविंग चिप्स फ्रॉम दी वेल्ड सरफेस। एट यहाँ पर आप देखिए, एट है आपके पास यहाँ पर, विच करंट इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, यानी नॉन फेरस मेटल के लिए कौन सा करंट जो होता है यहाँ पर, विच करंट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल को वेल्ड करने के लिए कौन सा हम यहाँ पर करंट यूज करेंगे। पहला एसी करंट, दूसरा डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट, थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फोर्थ है नॉन ऑफ देम। तो मैं आपको बता दूं, जो डीसी करंट होता है उसका हम यूज करते हैं बोथ फेरस एंड नॉन फेरस के लिए, बोथ फेरस, फेरस यानी जिनमें लोहा उपस्थित है, जैसे माइल्ड स्टील हो गया, नॉन फेरस यानी जिनमें लोहा उपस्थित नहीं है, एल्यूमिनियम हो गया आपका। तो इनके लिए आप डायरेक्ट करंट का यूज कर सकते हैं नॉन फेरस मेटल के लिए, एसी का आप यूज नहीं करेंगे नॉन फेरस मेटल के केस में। नाइन्थ आप देखिए, इन विच पोलैरिटी, पोलैरिटी का अर्थ है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में जो हमें डायरेक्शन बताता है कि करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, कहाँ तक उसकी दिशा बताता है, तो उसे ही आप पोलैरिटी कहते हैं। तो किस पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है और वर्क पीस पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास रिवर्स्ड पोलैरिटी, सेकेंड ऑप्शन इज स्ट्रेट पोलैरिटी, थर्ड ऑप्शन इज बोथ रिवर्स एंड स्ट्रेट पोलैरिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपके पास आएगा यहाँ पर स्ट्रेट पोलैरिटी, क्योंकि स्ट्रेट पोलैरिटी में मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट पोलैरिटी में मैं आपको बताऊं, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो वर्क से कनेक्ट होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है। और इसमें आप देखिए तो करंट कैसे फ्लो होगा, आपको पता है करंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है करंट, तो ये इसकी डायरेक्शन भी आपको पता चल गई कि स्ट्रेट पोलैरिटी में करंट जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल यानी इलेक्ट्रोड टू वर्क पीस फ्लो करता है। ये हो गया इसका आंसर। अब आप देखिए टेंथ क्वेश्चन है, फ्लक्स कोटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, यानी जो फ्लक्स कोटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिससे फ्लक्स की कोटिंग की गई है, वो किस प्रकार का है, नॉन कंज्यूमेबल, दूसरा कंज्यूमेबल, थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या आपके पास आएगा फोर्थ नॉन ऑफ दी अबव। तो मैं आपको बता दूं, जो फ्लक्स कोटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो नॉर्मली यूज करते हैं वेल्डिंग में, वो कंज्यूमेबल होता है, वो कंज्यूम होता रहता है। तो इसका आंसर आएगा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यानी जो खपत होती रहे जिस इलेक्ट्रोड की, तो वो है हमारे पास फ्लक्स कोटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। इलेवन देखें, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग यूजेज द प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी किस प्रकार की वेल्डिंग जो है वो प्रिंसिपल यूज करती है इलेक्ट्रिक करंट का और प्रेशर का, टू क्रिएट ए वेल्ड बिटवीन टू पीसेज ऑफ मेटल, यानी दो पीसेज को जोड़ने के लिए कौन सी जो वेल्डिंग है वो दो चीजों का प्रिंसिपल यूज करती है, पहला इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा प्रेशर का। तो मैं आपको बता दूं, जो थर्मिट वेल्डिंग है जो पहला ऑप्शन है वो इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि वो फ्यूजन वेल्डिंग का उदाहरण है। सेकेंड है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्ड है फोर्ज्ड वेल्डिंग, फोर्ज्ड वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग होती है जिसे आप प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, जो आपका फर्स्ट वेल्डिंग है वो फ्यूजन वेल्डिंग होती है, इसमें आप क्या करेंगे मोल्टन मेटल का यूज करते हैं। जो सेकेंड है रेजिस्टेंस वेल्डिंग,
यही राइट आंसर है, क्योंकि इसमें आप करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्लस प्रेशर का यूज करते हैं, प्लस प्रेशर का यूज करते हैं आप, तो इसका आंसर आपके पास आएगा सेकंड, रेजिस्टेंस वेल्डिंग विच यूज बोथ इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रेशर टू क्रिएट अ वेल्ड। अब आप यहाँ देखिए, 12th है आपके पास, द स्मॉल वेल्ड पार्टिकल्स स्कैटर्ड ऑन दी मेटल सरफेस आफ्टर वेल्ड, यानी वेल्डिंग के बाद जो आप देखते हैं कि उसकी सरफेस पर बहुत ही स्मॉल क्या होते हैं, मेटल जो पार्टिकल्स होते हैं फैल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? पहला क्रैक्स, दूसरा ब्लू होल्स, थर्ड पोरोसिटी, फोर्थ स्पैटर। तो इसका उत्तर आएगा, मैं आपको बताऊं, स्पैटर। इसका आंसर आएगा स्पैटर। स्पैटर आर दी स्मॉल मेटल पार्टिकल, यही स्मॉल मेटल पार्टिकल होते हैं जो कि वेल्ड की सरफेस पर क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं, फैले होते हैं। स्पैटर इज द करेक्ट आंसर। 13 देखिए, इन विच वेल्डिंग, किस वेल्डिंग में आप नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं? नॉन कंज्यूमेबल यानी जो खपत ना हो, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड आप किस वेल्डिंग में यूज करते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला मिग वेल्डिंग, दूसरा स्पॉट वेल्डिंग, थर्ड इज टिग वेल्डिंग, या फोर्थ सीम वेल्डिंग। तो इसका आंसर आएगा थर्ड, टिग वेल्डिंग, क्योंकि टिग वेल्डिंग की फुल फॉर्म होती है हमारे पास टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, ये फुल फॉर्म होती है टिग वेल्डिंग की। देखिए इसमें आ गया टी, टी का अर्थ है टंगस्टन, तो यहाँ पे हम टंगस्टन का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं टिग वेल्डिंग में। 14 देखिए, गैस इज यूज इन टिग वेल्डिंग, यानी यहाँ पर आप देखिए कि कौन सी गैस यूज की जाती है टिग वेल्डिंग में। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ऑप्शन, इसको आप ऑल ऑफ द अबव लिखिए, नॉन ऑफ द अबव को, क्योंकि आर्गन और हीलियम दोनों यहाँ पर आएगा। देखिए फोर्थ ऑप्शन को मैं करेक्ट कर दूं, यहाँ पर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, आर्गन और हीलियम दोनों गैसेस का हम यूज करते हैं टिग वेल्डिंग में, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप टिग वेल्डिंग करेंगे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से, तो वहां पर जो आसपास में क्या होगा, कुछ ऑक्साइड वहां पर जनरेट हो जाएंगे, उन ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए दो गैसेस हम यूज करते हैं, आर्गन और हीलियम। 15 आप देखिए, नेम दी वेल्डिंग डिफेक्ट एज शोन इन फिगर, हमें इस वेल्डिंग डिफेक्ट का नाम बताना है जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। पहला है क्रैक, दूसरा स्पैटर, थर्ड ब्लू होल, फोर्थ ओवरलैपिंग। तो आप यहाँ पर देखिए, एक होल यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो आप इसको कहेंगे जब भी वेल्डिंग के बाद उसकी सरफेस पर होल्स जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू इंट्रापमेंट ऑफ गैसेस, क्योंकि जब वेल्डिंग होती है वहां पर बहुत सारी गैसेस जनरेट होती हैं, गैसेस जनरेशन के कारण क्या होता है वहां पर ब्लो होल्स या पोरोसिटी, पोरोसिटी में बहुत छोटे होल होते हैं, परंतु ब्लो होल क्या होता है, बड़ा होल होता है एज कम्पेयर टू पोरोसिटी। तो इसका आंसर आएगा थर्ड, ब्लो होल्स। और स्पैटर मैंने आपको बताया मेटल पार्टिकल्स स्कैटर्ड ऑन दी किस पे, वेल्ड सरफेस पर। क्रैक जो होते हैं वो हीटिंग के कारण आते हैं, ओवरलैपिंग यानी जो आपकी जो बीड है जो वेल्ड की है आपने वो ओवरलैप कर दे, ऊपर आ जाए मेटल की, तो आप उसे कहते हैं ओवरलैपिंग, परंतु यहाँ पर ब्लो होल हो रहा है तो इसका आंसर है ब्लो होल डिफेक्ट। इसी के साथ हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया इन वेल्डिंग। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, बिकॉज इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट वेल्डिंग एंड वेल्डिंग इज द बेसिक चैप्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो आप जो ये चैप्टर है इस चैप्टर को पढ़िए, इसकी प्लेलिस्ट त्रिशक्ति अकेडमी आपको प्रोवाइड कराएगी, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर वेल्डिंग की अनेक वीडियोस को देख सकते हैं और फिर आप इसके एमसीक्यू को इजीली सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन से बहुत ही मिलते जुलते हैं और एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक एंड त्रिशक्ति अकेडमी इंस्टाग्राम 03। देखिए जो यहाँ पर आईडी लिखी हुई है उन आईडी पर आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच।